लोकसभा में महाजीत हासिल करने के बाद 30 मई को एक बार फिर एनडीए केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई, जिसके बाद से लोगों को इंतजार है मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले आम बजट का, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता से लेकर व्यापारियों से सोशल मीडिया पर राय भी मांगी, जिसके बाद अब 5 जुलाई को ये पेश किया जाएगा। तो इस बजट से जनता को क्या है उम्मीदें, आइए देखते हैं। मोदी सरकार आर्थिक सुधार के वादे के साथ 2014 में सत्ता में आई, जिसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उसे एक बार फिर अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। अपनी पिछली पारी में मोदी सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी जैसे कई फैसले लिए और काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। हालांकि इन फैसलों से इकोनॉमी सुस्त जरूर हुई, वहीं अब अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके इसे ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा रहा है। देश में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने भी 1970 में बजट पेश किया था, लेकिन वो कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। इसके बाद अब 5 जुलाई को नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का आम बजट संसद में पेश करेंगी। कई राज्यों को केंद्र से नई योजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि सरकार आयकर में छूट दे ताकि उन्हें राहत मिले। वही महिलाएं चाहती हैं कि किचन और घरेलू खर्चे का बोझ थोड़ा कम हो। इस मामले पर शिक्षकों की राय है कि सरकार अगर जीडीपी का 6% उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकती तो कम से कम उस ओर कदम तो बढ़ाए, स्कूलों को संसाधन दिए जाएं, उच्च शिक्षा की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वही महिलाएं कहती हैं कि केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि इस बार किचन का बोझ कम पड़े। खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है, अगर इसमें कटौती नहीं हो सकती तो कम से कम बढ़ोतरी भी ना हो। महंगाई इतनी है कि गृहिणियां घरेलू खर्चे जोड़ने में ही रह जाती हैं। वही युवाओं का कहना है कि सरकार युवाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाए ताकि यहाँ के छात्रों को पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ नए उद्योगों की स्थापना के साथ पुराने उद्योगों को फिर से बेहतर बनाया जाए। पिछली बार सरकार मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसी योजनाएं लेकर आई, लेकिन झारखंड जैसे कई राज्यों में ये धरातल पर नजर तक नहीं आई। रोजगार सृजन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वही इस बजट से एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि एंजल टैक्स से छुटकारा मिले, रेगुलेटरी रिफॉर्म की जाए, जीएसटी के ढांचे में सुधार की जरूरत है, छोटे शहरों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले, निर्यात पर सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है। खैर, इस बजट से उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है और कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं, ये तो 5 जुलाई को ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।